मिस्टर 360 एबीडी यानी अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, जी हाँ, साउथ अफ्रीका के इतने दिग्गज बल्लेबाज जिन्होंने लास्ट ईयर यानी कि 2018 में मई में संन्यास ले लिया था ड्यू टू एक्सेसिव क्रिकेट, यानी कि बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे वो क्रिकेट खेलते खेलते, इसलिए तीनों फॉर्मेट यानी कि T20I, ODI और टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने अपना संन्यास या रिटायरमेंट का ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद बहुत लोग चाह रहे थे कि 2019 में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला गया था इंग्लैंड में, वहाँ वो शिरकत करें और अपनी जो कला है, अपनी जो उनकी जो टैलेंट है उससे बल्ले से दमखम दिखाएं, लेकिन हालांकि वो हो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा फैंस को निराश होना पड़ा। उसी के चलते साउथ अफ्रीका की टीम को बहुत ही डिसअपॉइंटिंग या कह लीजिए बहुत ही फॉरगेटफुल कैंपेन के बाद उस वर्ल्ड कप को एंड करना पड़ा। लेकिन फिर अब ये खबरें आ रही है, सुर्खियाँ आ रही कि आप सबके चहेते एबी डिविलियर्स वापसी कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं उनके कप्तान फाफ डू प्लेसिस। मैं आपको बता दूँ, अमजांगी सुपर लीग जो वहाँ की डोमेस्टिक लीग है यानी कि साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर पर्ल रॉक्स ने सीजन जीता जिसके कोच थे मार्क बाउचर जो अभी साउथ अफ्रीका के कोच हैं, उसके बाद उनके कप्तान थे फाफ डू प्लेसिस जो अभी साउथ अफ्रीका के लिमिटेड ओवर्स के कप्तान है। एबी डिविलियर्स ने कह दिया है कि मेरे बल्ले में अभी जान बाकी है, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं, खासकर एबी डिविलियर्स के जो दोस्त और उनके जो कप्तान हैं फाफ डू प्लेसिस भी चाहते हैं कि वो टीम में खेलें और अपकमिंग वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में 2020 के अक्टूबर में खेला जाएगा वहाँ अपने कला दिखाएं, अपने टैलेंट से, अपने हुनर से टीम साउथ अफ्रीका को बहुत सारे मैच जिताएं। लेकिन फिर भी क्या वो वापसी कर पाते हैं इंटरनेशनल सर्किट में? क्या लगातार दूसरे ऐसे खिलाड़ी होंगे ड्वेन ब्रावो ने जिन्होंने इस साल में ही वापसी करने की अपनी जो आशाएं हैं वो जताई हैं? लेकिन क्या देखना है बहुत दिलचस्प है, क्या मार्क बाउचर जो उनके वहाँ के कोच हैं और साथ साथ फाफ डू प्लेसिस सफल रहते हैं एबी डिविलियर्स को वापसी करवाने में? क्योंकि अभी जो जिस दौर से गुजर रही है साउथ अफ्रीका की टीम, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं उनकी टीम में, बहुत ज़्यादा युवाओं को मौका मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इतने लय में नहीं दिख रहे, आउट ऑफ टच दिख रहे हैं। उस टाइम अगर उनकी बांध दो या कह लीजिए तो कमान अच्छे हाथों में जाएगी, एबी डिविलियर्स जैसे सीजन खिलाड़ी के हाथ में जाएगी, तो बहुत ही अच्छे संकेत होंगे साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए, बहुत ही अच्छे संकेत होंगे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। खैर, ये था हमारा वीडियो पर्टिकुलरली एबी डिविलियर्स की रिटायरमेंट के अपडेट को लेकर। क्या अगले साल वो हमको वापसी करते हुए दिख सकते हैं क्रिकेट के मैदान में, ये देखना बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प रहेगा। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडियन स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच।